दोस्तों आईको G6 Pro इसे दोस्तों मैं हर एक चीज में टेस्ट कर रहा था एंड फाइनली इसका जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आज की इस वीडियो में गाइस मैं देने वाला हूं इसका रियल रिव्यू। पिछले 10 दिनों से ना गाइस हर एक चीज में गेमिंग हो गया, कैमरा हो गया, वीडियो हो गया या फिर बोल सकते हो ना नॉर्मल यूजर्स हो गया, हर एक चीज में मैंने इसको टेस्ट कर लिया है एंड इस वीडियो में मैं आपको जेन्युइन रिव्यू दूंगा कि ये फोन आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं, सब कुछ। तो उसके लिए बस आप इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। दोस्तों वैसे आईको के जितने भी फोन होते हैं नॉर्मली इसे लोग परफॉर्मेंस के लिए ही लेते हैं, यानी कि जो लोग गेमिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं या फिर जिनको हैवी यूजेस होता है वही लोग दोस्तों आईको की तरफ जाते हैं। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट भी करेंगे इसकी परफॉर्मेंस से। इसकी परफॉर्मेंस के लिए दोस्तों इसके अंदर लगाया गया है स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, 6 nm वाला है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। मैंने इसमें टेस्ट किया दोस्तों, मुझे टेस्ट करने के लिए ज्यादा हैवी गेम लगा BGMI, मैंने इसमें दोस्तों बोल सकते हो ना काफी लंबे समय तक BGMI खेला है एंड मुझे जहां तक मेरा पर्सनली ओपिनियन है गाइस काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिला है। बोल सकते हो ना इसमें मुझे थोड़ा सा भी शक नहीं है, काफी मस्त परफॉर्मेंस मुझे गेमिंग के अंदर मिला है, काफी अच्छी ग्राफिक्स थी, उसके साथ साथ जो गेमिंग है ना बोल सकता हूँ काफी स्मूथ चल रहा था। अक्सर मैंने दोस्तों नए फोन को टेस्ट करता हूँ तो उसमें थोड़ा बहुत लैग होता है, हैंग करता है, डिवाइस रुक रुक के चलता है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ फेस नहीं करना पड़ा, काफी अच्छा था, फ्रेम ड्रॉप भी नहीं हो रहा था, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। तो बोल सकता हूं गाइस परफॉर्मेंस के मामले में आपको इसमें कोई भी कमी नहीं आएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो N22 स्कोर है ना 550,000 से भी ज्यादा है, तो यहां पे काफी अच्छी आपको N22 स्कोर भी देखने को मिल जाती है। और दोस्तों गर्मियों का सीजन चल रहा है तो आजकल जो स्मार्टफोन है वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, तो दोस्तों मैंने अपना जो AC है ना उसे बंद करके इसे ट्राई किया था, देखते हैं यार कितना ज्यादा हीट होता है, ठीक है। तो उसमें दोस्तों मैंने BGMI को खेल रहा था एकदम फुल हाई ग्राफिक्स में, तो जो फोन है ना गाइस जो इसके अंदर लगा है वेपर चेंबर लिक्विड कूलिंग सिस्टम ये काफी अच्छा मेंटेन किया। सच बताऊं ना फोन एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में था, उतना ज्यादा हीट नहीं हुआ, तो उस हिसाब से मैं ये बोल सकता हूं कि इसमें आपको हीटिंग एंड परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं देखने को मिलेगी। सो यार AC बंद करके फैन बंद करके अगर इसमें गेम खेलेंगे तो ये हीट तो होगा लेकिन उतना ज्यादा हीट नहीं हुआ, नॉर्मल हीटिंग हुई इसमें, तो उस हिसाब से दोस्तों मुझे काफी अच्छा लगा कि ज्यादा हीट नहीं हो रहा है। एंड वहीं दोस्तों बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में मुझे सिर्फ एक कमी लगी है, वो है दोस्तों इसके कैमरा का शेप, यानी कि अगर यहाँ पे हमें पंच होल नॉच मिलता ना तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता। ये दोस्तों जो वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर ना कैमरा होता है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। आजकल बहुत ज्यादा मैंने देखा है ना 25,000 के फोन में ये चीज देखने को मिलती है, तो यार मुझे लगता है कि इतना ज्यादा महंगा लोग फोन ले रहे हैं तो ये चीज तो हटानी चाहिए ना, है ना गाइस। तो ये चीज थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड सा लगा, बेकार लगा, लेकिन अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले काफी ऑसम दिया गया है। यहाँ पे 6.44 इंच की फुल HD प्लस AMOLED स्क्रीन दी गई है, 1300 nits की पीक ब्राइटनेस है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट है। तो ओवरऑल इतने सारे फीचर्स डिस्प्ले के अंदर दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ वाटर ड्रॉप नॉच की वजह से ना थोड़ा सा मुझे बोल सकते हो ना बेकार सा लगा, लेकिन डिस्प्ले में बोल सकता हूँ कमी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा लुक में आपको फर्क नजर आएगा इसकी वजह से, बाकी तो परफेक्ट है। उसके साथ साथ लुक एंड डिजाइन भी डेफिनेटली काफी यूनिक बनाया है, कैमरे का जो शेप है एंड फोन में मैट फिनिश है तो फिंगरप्रिंट्स नहीं आते। बाकी ओवरऑल दोस्तों फोन का लुक ना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक डिजाइन हमें यहाँ पे देखने को मिला खास करके कैमरे के शेप के अंदर। एंड वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन की कैमरा की कि भैया आखिर कैमरा कैसी है, कैसी फोटोज आ रही हैं, तो दोस्तों मैं यहां पे कैमरे के मामले में थोड़ा सा भी बोल सकता हूं ना गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा। मैंने इस फोन के कैमरे से फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरे से फोटोज क्लिक किए, वीडियो क्लिक किए एंड मुझे पर्सनली ना दोस्तों इसका कैमरा इसकी प्राइस के हिसाब से बहुत ही कमाल का लगा। आप यहां पे कुछ फोटोज का सैंपल देख लो, आपको खुद समझ में आएगा ये फोटोज दोस्तों मैंने इसी स्मार्टफोन से लिए हैं, काफी मस्त आई है, तो से आप अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ पे कैमरा दोस्तों काफी अच्छा दिया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप है, फ्रंट साइड में दोस्तों 16 मेगापिक्सल है, लेकिन दोस्तों कैमरे का बोल सकते हो जो क्वालिटी है, जो पिक्चर इमेजेस है वो सब दोस्तों एकदम परफेक्ट आ रही है, कोई भी कमी नहीं है, जो कलर है, जो लाइटिंग है वो सब परफेक्ट आ रही है, तो कैमरा डेफिनेटली इसका बहुत अच्छा लगा, उसके लिए एक लाइक तो बनता है। अब दोस्तों बात करें इसकी बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे दोस्तों 4700 mAh की बैटरी दी गई है। अगर आप
इसमें गेमिंग करते हो ना हाई ग्राफिक्स में, तो भी दोस्तों काफी कमाल की आपको बैटरी लाइफ मिल जाती है। साथ में इसे चार्ज करने के लिए 66 वॉट का फ्लैश चार्ज भी यूज कर सकते हो, जो कि काफी फास्ट इस फोन को चार्ज कर देता है। एंड वहीं दोस्तों बात करें इसकी प्राइसिंग वगैरह की, तो इसकी जो प्राइस है ना दोस्तों 6GB एंड 128GB वेरिएंट वाले का वो स्टार्ट होता है 24,000 से। उसके बाद उससे ऊपर हाई वेरिएंट भी है, तो उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कंक्लूजन, इसे लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों देखो, अगर आप कैमरा एंड परफॉर्मेंस ये दो चीजें चाहते हो अपने एक स्मार्टफोन में, तो ये फोन दोस्तों आपके लिए बेस्ट है 25K के अंदर। उससे ऊपर अगर आप जाते हो तो और भी ऑप्शन है, लेकिन अगर 25K के अंदर लेना चाहते हो 25,000 के अंदर, तो ये आपके लिए बोल सकते हो ना बेस्ट ऑप्शन होगा। इसे दोस्तों आप फर्स्ट पे रख सकते हो, एक बार आप खुद इसे चेकआउट करना, आपको पर्सनली पसंद आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये कोई भी पेड रिव्यू नहीं है, ये जो भी था वो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, मेरा पर्सनल रिव्यू था, जो मैंने टेस्ट किया वही मैंने आपको बताया है, कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।